कॉफ़ी का मज़ा ऐसी जगह पे ही आता है। ये देखो वो बंद किया हुआ है आर्मी ने, तो ये एक और रूट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल। तो अभी हम निकल चुके हैं आज लोकल साइट सीइंग के लिए। बाइक होगी रेडी, और यहाँ देखोगे ना ये वाला मेरा रूम था, और मेरे रूम के सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये सामने का व्यू था। सो अभी मैं निकलने वाला हूँ आज यहाँ से धांग, लोकल साइट सीइंग के लिए धांग कर। मुझे बाइक हटानी पड़ेगी, वहाँ से ट्रैक्टर आ गया। चलो अब आगे मिलते हैं आपसे। तो आज मैं करने वाला हूँ लोकल साइट सीइंग, मतलब कि यहाँ से जाऊँगा आज मैं पिन वैली, धानकर, हाईएस्ट चेक पोस्ट, लांजा, आज ये सारी जगह कवर करूँगा। तो इन सब का डिस्टेंस जो है धानकर और पिन वैली जो है वो है यहाँ से 35 किलोमीटर। और सेकंड हमारा जो लांजा और दूसरा हाईएस्ट चेक पोस्ट है वो है यहाँ से कुछ 12-13 किलोमीटर। होटल बहुत अच्छा मिला था, रीज़नेबल था। इस वक्त ट्रैवलर बहुत कम है, ज़्यादा लोग आए नहीं हुए यहाँ पे। मैंने कल क्या किया था, मैंने कल नाइट पे ना यहीं पे जो जैसे मेरी स्नो जो चेन है वो थोड़ी गंदी हुई पड़ी थी, तो मैंने क्या किया कि एक बार चेन पूरी अच्छे से डीजल से बाहर वॉश करवा ली, क्योंकि अगर मैं गंदी चेन के ऊपर ल्यूब करता रहूँगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए चेन को साफ़ किया, उसको ऊपर से साफ़ करने के बाद हमने वो कर दिया, ल्यूब कर दिया। तो टाइम हुआ है सुबह के 7। ठीक है, रोज़ मैं सुबह 7 बजे ही निकलता हूँ, तो आज का भी मैंने यही प्लान किया था कि सुबह 7 बजे निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि देखो अकेला रूम में बैठ के कोई काम नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो और एंजॉय करो। और बाइक भी अच्छी चल रही है आज। मैंने सोचा है कि आज आके बाइक वॉश करवाऊँगा यहीं पे, वर्ल्ड के हाईएस्ट बाइक वॉशिंग सेंटर में बट लेट्स सी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करवाना चाहता क्योंकि थोड़ी देर बाद ही धांकर में आगे बहुत ज़्यादा वो होएगा, मिट्टी मिट्टी होएगी, ऑफ रोडिंग होएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से साफ़ करके जाऊँगा, वहाँ पे जाके फिर गंदी हो जाएगी थोड़ी देर में, तो इससे अच्छा ऐसे जाएंगे। तो गाइस, जो मेन रास्ता है धानकर का वो बंद किया हुआ है आर्मी ने, तो ये एक और रूट है जो लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये रूट से हम जा रहे हैं। तो मेरे आगे एक ट्रक था, तो वो कहते मैं वहीं जा रहा हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो अब हम भी अभी धांकर पहुँच रहे हैं। जो दूसरा वाला रूट है, जो मेन रूट है, वो बहुत साफ़ है, वो प्रॉपर सड़क बनी हुई है। ये लेकिन नहीं, ये पूरा ऑफ रोड वाला है। ओह माय गॉड, ये तो बस इतना ही है। सही थे, ओके, बस इतना ही था। इसके आगे सड़क साफ़ है। चलो अगले शॉट में आपको दिखाते हैं धानकर लेक। वहाँ पे बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। मैं आ रहा था तो कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि लिफ्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत थकावट हो जाती है उनको। तो देन उनमें से एक छोटा लड़का था, मैंने उसको बिठा लिया, बाकी जो हैं एक गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। ये है धानकर। ओके, ये धानकर का स्कूल है। तो अभी हमें और ऊपर जाना है। दोस्तों, मैं आया हूँ बाइक राइड करने, लेकिन यहाँ पे ट्रैक करना पड़ रहा है। बेसिकली धांकर नीचे है लेकिन जो लेक है वो ऊपर है, तो करीब 2 किलोमीटर का ये वाला ट्रैक है इस तरह का। तो ये पूरा ऊपर चल के आना पड़ता है। और मैं कहाँ से आया हूँ एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं आया हूँ इस जगह से, ये येलो वाले से, ये ट्रैक करके आया हूँ। मुझे नीचे किसी ने बताया कि थोड़ा सा ट्रैक है, तो थोड़ा सा सामान था, हेलमेट था, मैंने कहा एक काम करता हूँ साथ ही ले जाता हूँ। तो बट पता होता तो मैं सामान नीचे ही रख के आता। अभी कोई रास्ते में मिला था, उन्होंने कहा कि 15 मिनट का और ट्रैक है जो अप हिल का, बाकी उसके बाद थोड़ा स्ट्रेट है। एक बार पहुंच जाऊं वापसी आने की कोई दिक्कत नहीं है, डाउन हिल है आराम से पहुंच जाएंगे। व्यू देखोगे एक बार देख लो। व्यू मस्त है। जो मुझे रास्ते में मिले थे उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ तक आए हो, ऊपर चले जाओ, व्यू बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ। अब मैं 4 किलोमीटर का जो ट्रैक किया है मैंने, ये तीनों सामान पकड़ के किया ट्रैक और कोई भी नहीं था। और फाइनली धांकर लेक पे मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे एक माउंट टाइप का बनाया हुआ है और ये सामने लेक है। इधर की जोन सी है लेक वो सूखी पड़ी है, बाकी भी यहाँ है। और इधर का व्यू देखोगे तो बहुत अच्छा है। ये देखो बहुत बढ़िया व्यू है। मैं तो नाम भी भूल गया, कहाँ गए थे, इतनी थकावट होगी। अभी हमने किया अरे मैं नाम भूल गया, ट्रैक का नाम क्या था? धांकर लेक। हाँ, सो अभी हमने धांकर लेक का ट्रैक कंप्लीट किया है। मैं अभी सोच के निकला था कि 2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, 3.5 घंटे लग गए क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी था और ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। इवन मैंने हेमकुंड साहब की चढ़ाई करी हुई है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। ठीक है अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 किलोमीटर, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट थी, तो मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाया। अगर आप देखना चाहो तो YouTube पे अगर मुझे कोई वीडियो दिखी ना तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगा, तो एक बार देखना ज़रूर। अभी हम जा रहे हैं ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, ओल्ड धांकर मोनेस्ट्री में जा रहे हैं। तो आगे जो भाई जा रहे हैं ये भी मुझे ट्रैक पे मिले थे, तो हमने कहा चलो आगे साथ ही करते हैं। बाकी चंद्रताल ये मेरे साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये चंद्रताल से वापस आ रहे हैं, इन्होंने वाया मनाली से रूट किया था। चलो अब आपको आगे मिलता हूँ और दिखाता हूँ कोई बढ़िया सा सीन। मोनेस्ट्री लेके चलते हैं आपको एक एक करके। सो ये है एंट्रेंस ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री की। अभी आपको एक स्टोरी बता देता हूँ हुआ क्या। मैं गया था धांकर लेक, मेरे पास सामान काफ़ी था क्योंकि एक तो मेरे पास थी 2 कैमरे थे, कैमरे की एसेसरीज़, एक्स्ट्रा चार्जर, एक्स्ट्रा बैटरी, फ़ोन की वायर, ये सब कुछ मेरे पास था। देन क्या हुआ हाँ, तो दिन क्या हुआ कि ये सब मेरे पास था और मेरे को ये था कि बारिश ना आ जाए, तो मैंने विंडशीटर भी रख लिया। लेकिन जब धानकर का ट्रैक करने गया तो वहाँ पे मेरे को अब सारा सामान ले जाना पड़ा। आसपास कोई मिला नहीं जिसके पास कोई शॉप या कोई कुछ ऐसा जहाँ पे रख सकूँ, तो वो सामान सारा मुझे ले कर ट्रैक करना पड़ा, जो कि मेरे लिए हो गया था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। देन ट्रैक तो किसी तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद मुझे जाना था पेन वैली, लेकिन ज़्यादा मेरे पास सामान होने की वजह से मेरे को पेन वैली के लिए भी लेट हो गया। फिर मैं पेन वैली नहीं गया और फिर आगे थोड़ी सी बारिश, बूंदाबांदी। तो देन मैंने प्लान ये किया है कि मैं आज पेन वैली की जगह आज मैं लांजा और आपका किब्बर और तीसरा है आपका लांजा हो गया, किब्बर हो गया, एक दो जगहें और हैं, ये तीनों चारों जगह आज कवर कर लूँगा। कल मैं दोबारा से यही स्टे करूँगा पेन वैली के लिए। पेन वैली कल जाऊँगा, तो कल फिर मैं चंद्रताल के लिए परसों निकलूँगा। तो वैसे मैंने चंद्रताल के लिए कल निकलना था बट मैं परसों निकलूँगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं होटल जाके अपना सामान भी खाली कर दिया। एक बार ये व्यू देखो, ये सारे पहाड़ ब्राउन कलर के, उस पर सिर्फ रोशनी पड़ रही है, कितना सही लग रही है ये चीज़। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर ये व्यू देख लिया और आपको प्यार नहीं हो जाएगा इस चीज़ जगह से। मैं बता रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या किस तरह से है, लेकिन ये दोनों साइड ब्राउन ब्राउन है और उस साइड पे सिर्फ लाइट पड़ रही है। मैंने कैमरा से फोटोज़ भी क्लिक करी है, इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक करना। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किधर जा रहा हूँ, इतना ऑफ रोड पे क्यों जा रहा हूँ मैं, तो अभी 2 मिनट में आपको जवाब मिलेगा जब मैं उस जगह पे पहुँचूँगा। यहीं से है, गाइस ये देखो, आपको कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे को लगा ये नेचुरली हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जो पाउडर वाली मिट्टी होती है ना, उसको ट्रैक से उड़ा रहे हैं, क्योंकि पाउडर वाली मिट्टी जो होती है वो रिस्की होती है, उससे टायर स्लिप होने का रिस्क होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पाउडर वाली मिट्टी को ही हटा रहे हैं यहाँ से। गुड, नाइस। तो हिक्किम हमारा रह गया यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर। ओह माय गॉड, थारमेक रोड। रुक जा जरा, मैं जाऊँ। कितनी दूर है हिक्किम? लांजा आएगा पहले, लांजा पहले आएगा। इस पे चढ़ जाऊँ, इस पे चढ़ जाऊँ, टारमेक पे इस पे चढ़ जाऊँ। ऊपर ना चढ़ाऊँ, ठीक है ठीक है। यहाँ तो चढ़ाना ही पड़ेगा। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। मैं इंडिया पोस्ट के ऑफिस में, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और पहले जो था ये वाइट कलर का बना हुआ था, जब मैं लास्ट टाइम आया था उसमें रेड कलर की विंडो थी, लेकिन अब ये चेंज करके इस तरह का बना दिया है। तो अभी फटाफट से एक पोस्ट करते कोई अच्छे सी घर पे, जो पहुँचेगी 10 से 15 दिन में। तो अभी ना यहाँ पे थोड़ा काम हो रहा है, पत्थर तोड़े, तोड़ के अभी डाले जा रहे हैं उसके अंदर। जैसे ही हो जाएगा हमें रास्ता बना देंगे तो फिर हम निकल जाएंगे। लोकेशन देख लो, यहाँ पे कोई रोड नहीं है। तो अभी मैं जहाँ गया था वो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे गया था, उसके और आगे एक जगह थी कोमिक, जो हाईएस्ट विलेज होता है। बट हुआ क्या, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज, क्योंकि मुझे लांजा जाना ज़रूरी है। लांजा मैंने जाना है, इसलिए मैं कोमिक को मिस कर रहा हूँ। तो मैंने जो ये करे हैं ना भैया, इनसे मैंने पूछा कि कोमिक करूँ या ना करूँ, तो कह रहे कुछ नहीं है, बस एक हमारा बुद्धिज़्म का मंदिर है, तो बाकी वो तो लांजा में है। तो मैं लांजा जा रहा हूँ, रास्ता साफ हो जाए तो। मेरा ना सामान सारा मुझे उठा के धंग कर चढ़ना पड़ा, बड़ा मुश्किल होगी। मैं थक गया, टूट गया। फिर मैं कहा पिन वैली जाना था, मैं कहा अब तो जा नहीं सकता मैं, क्योंकि 34 किलोमीटर फिर और। तो मैंने कहा फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे इधर आ जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, एक दिन और स्टे कर लेता हूँ। मैंने कल चंद्रताल जाना था, लेकिन अब नहीं जा रहा, अब परसों जाऊँगा। कब पहुँचे? हाँ जी, कल पहुँचा था, शिमला से आया था। काजा? हाँ जी, नहीं होटल है। ठीक है, सस्ता मिल गया था, मैंने कहा चलो ठीक है, 1000 रुपये में मिल गया। कौन सा था ये, नाम मुझे नहीं पता, एक सेकंड, इसमें है। होटल विंटर वाइट। अच्छा, हाँ, कोने वाला। हाँ जी, हाँ जी, वही उसी लाइन है ये हमारे स्टेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का रोड में है, उसी लाइन में। अच्छा, तो ये खुद तोड़े गए हैं ये पत्थर? तो तोड़े क्यों, मतलब रास्ता बनाने के लिए तोड़े हैं? ये वाइड करने थे रोड को। अच्छा, चौड़ी करनी है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर तो यहाँ भी टारमैक वाली बना देंगे। हाँ, बाद में बनेगी, फिलहाल तो बहुत मुश्किल है ये खुदा कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हम गाड़ी पास देने और अब ये खुला हो जाएगा तो काफ़ी थोड़ा सुलेट हो जाएगा। और एक कोई एक भी थोड़ा अंदर जैसे नहीं, मतलब मोड़ जैसे, अभी तो ठीक जाएगी। ओके, ये तो मशीन तोड़ रहे हैं। हाँ ये। सो भाइयों मेरे, अभी हम पहुँचे हैं कोमिक, जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज, जहाँ पे कोई रहता है। अगर इसके आगे कुछ है तो कोई नहीं रहता, इससे ऊपर कोई नहीं रहता। दिस इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे देखो वॉलीबॉल चल रही है। अभी मैं आया हूँ वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज, जहाँ पे कोई रहता है, और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट। इसके ऊपर कोई दुनिया में रेस्टोरेंट नहीं है। तो चलो एक बार यहाँ तक आए हैं तो अंदर जाके एटलीस्ट एक कप चाय ही पी लेते हैं। कॉफ़ी का मज़ा ऐसी जगह पे ही आता है। ये देखो। तो अभी मैं जा रहा हूँ लांजा। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है बट बढ़िया है, ऑफ रोडिंग का मज़ा दे रहा है। जितनी ऑफ रोडिंग मैंने पिछले 4-5 दिन में कर दी है ना, मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं इतनी ऑफ रोडिंग करी। मैंने ऑफ रोडिंग करी हुई है कुछ 10 से 15 किलोमीटर की। यहाँ कम से कम मैं पिछले 3 दिन में 100 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ। और अभी जहाँ मैंने परसों जाना है वहाँ पे भी मेरी ऑफ रोडिंग ही है सारी। 70 किलोमीटर का ट्रैक है, 70 किलोमीटर जो है ऑफ रोड है। टोटल 96 किलोमीटर है चंद्रताल। तो ये सारी मेहनत पता है आपको क्यों करी है मैंने इतना ऑफ रोड? क्या दिखाने के लिए? आपको ये लोकेशन दिखाने के लिए। अभी चल के आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। इस लोकेशन के लिए मैं इतनी दूर से ऑफ रोड करके आया था। बहुत बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है। चलो मैं फ़ोटो क्लिक करवा लेता हूँ। अभी हमारा लांजा भी हो गया है, अब हमारा रह गया है पेन वैली, तो जिसके लिए मैंने सोचा है कि एक और दिन स्टे करूँगा काजा में। तो अभी होटल जाके सोचता हूँ कि क्या करना है, वेदर कल पेन वैली जाऊँ या ना जाऊँ। एक बार मैं नेट पर उसकी फ़ोटोज़ देखूँगा, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं पेन वैली जाऊँगा, अगर नहीं अच्छी लगी मतलब कुछ ख़ास नहीं लगा, देन मैं कल चंद्रताल के लिए निकल जाऊँगा। लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा। आज का ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा। मेरे कैमरे का लेंस मिट्टी से भर गया बुरी तरह से, क्योंकि ऑफ रोड काफ़ी था। तो जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है मीन्स कोमिक लोकेशन के, आज मेरी उनसे बात हुई थी। अगर आपने देखा हो जो वाइट शर्ट जिन्होंने पहनी थी, जब मैंने आपको इशारा किया था कि इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से कि कोमिक में कुछ नहीं है, तो उन्होंने ही बताया मुझे कि रोड्स बननी तैयार हो चुकी हैं, रोड्स जल्दी पूरी हो जाएंगी और जितना ऑफ रोड वाला पैच है वो भी सारा ख़त्म हो गया, बिल्कुल प्लेन रोड्स हो जाएंगी। तो होप सो जल्दी से जल्दी हो जाए। सो अभी मैं आया हूँ पेट्रोल डलवाने, ज़्यादा नहीं यूज़ हुआ लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पे हमारे पास पेट्रोल होना चाहिए। भैया जी पेट्रोल डाल लो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, अच्छा सा जो आपका दिल करे वो करो। बट मेरी मेहनत जो मैंने करी है ना, उसका फल दे देना, बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय।